हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लॉ ऑफ वाइब्रेशन को डिटेल तरीके से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका हम सही तरीके से कैसे उपयोग कर सकें। ये एक ऐसा लॉ है जिसके अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में स्थित हर चीज, हर वस्तु, चाहे आप हो या हम, ये घर, ये कमरा, ये कुर्सी, सभी चीजें एक वाइब्रेशन में है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन यूनिवर्स के साथ साथ हम लोगों को भी प्रभाव डालता है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक फंडामेंटल लॉ है। हम जो भी काम करते हैं उनसे वाइब्रेशन जनरेट होती है, जिसकी वजह से एक एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी यूनिवर्स में फैल जाती है और हम अपने ही सेम इंटेंसिटी की एनर्जी वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट है और हम जो भी करते हैं उसका सीधा रिलेशन हमारी इच्छाओं से होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं, हमारी आशाएं किसी चीज को पाने के लिए यूनिवर्स को मजबूर किया होगा। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार इस दुनिया में पाए जाने वाली हर चीज अपनी एक वाइब्रेशन रखती है, जिन्हें हम महसूस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम चीजों को मूव होते हुए फील कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है वो एक एनर्जी के कारण ही एग्जिस्ट करती है। जैसा कि हमें पता है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार हर एक एग्जिस्ट करने वाली चीज़ों में अलग तरह की फ्रिक्वेंसीज और वाइब्रेशन होती है, उसी तरह से हमारे थॉट्स की भी वाइब्रेशन होती है और वो सभी फ्रिक्वेंसीज हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करती है। जिस तरह के आप सोचते होंगे कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाए, तो आपकी थॉट्स की फ्रिक्वेंसीज, आपकी सोच विचार की फ्रिक्वेंसी आपके उस अचीव करने वाली गोल तक मैच करनी चाहिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होता है। इसको इस बात से आसानी से समझा जा सकता है कि जब भी आपके थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से होते हुए आपके रियलिटी में रिफ्लेक्ट होना शुरू होते हैं, तो आप उस समय बहुत खुश नजर आते हैं। एक एनर्जी का फ्लो आपके लाइफ में दिखाई देने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी एनर्जी आपके थॉट्स से गुजरते हुए आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, जिससे आपके काम करने के पावर, आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप वैसा ही करने लगते हैं जैसा आपने आगे सोचा था। अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन को बारीकी से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है उसमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन का अहम रोल होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर ही लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। अगर आपको ये समझना है कि आप अपने लाइफ को कंट्रोल कैसे करें, तो सबसे पहले आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन को, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझना होगा। पहले आपको वाइब्रेशन को पहचानना होगा और उनको सही डायरेक्शन में यूज करना होगा, तभी आप अपने लाइफ को सफल बना सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम कैसे करता है। यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज एक डिफरेंट पैटर्न पर काम करती है। हर एक एग्जिस्टिंग चीजों का डिफरेंट वाइब्रेशन का पैटर्न होता है। जब भी सेम वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तभी आपके वो काम होंगे जो आप चाहते हो। जब भी कभी तेजी से आवाज होती है तो हम उसे सुन सकते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक चीज वाइब्रेशन में होती है। अगर वाइब्रेशन कम होंगे तो हम उसे नहीं सुन पाएंगे, और अगर वाइब्रेशन तेज होंगे तो हम उसे आसानी से सुन पाएंगे। ये सेम कॉन्सेप्ट हमारे थॉट्स पर भी लागू होती है। हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग, डिजायर, सबकी एक अलग अलग प्रकार की फ्रिक्वेंसी है। हर एक चीज का अलग अलग पैटर्न होता है। हमारे थॉट्स, फीलिंग, डिजायर अलग अलग वाइब्रेशन इस यूनिवर्स को भेजते हैं और ये प्रोसेस चलती रहती है। इन वाइब्रेशन से एक पूरी चेन बनती रहती है, जिससे वो वाइब्रेशंस हमारे चारों तरफ फैल जाती है और सेम फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ों को हमारे तरफ लाने लगती है। ये लोग हो सकते हैं, आपकी कोई इच्छा हो सकती है, या आपका कोई गोल हो सकता है। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी वैसी बन गई तो आपके एक्शंस अपने आप वैसे बनने लगेंगे, और आपकी वाइब्रेशंस की वजह से आप सेम फ्रिक्वेंसी को, सभी चीज़ों को जो आपके आसपास बन चुकी है उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे। हमारी वाइब्रेशन सिर्फ हम पर इफेक्ट नहीं करती है, वो हमारे आसपास के लोगों पर भी,
बहुत इफेक्ट करती है और ये उल्टा भी काम करती है। अगर आपके वाइब्रेशंस स्ट्रांग नहीं होगी, अगर आप कमजोर माइंड सेट के होंगे, तो दूसरे लोगों के वाइब्रेशंस आपके ऊपर असर करने लगेंगे। और अगर वो नेगेटिव वाइब्रेशंस है तो आपका माइंड सेट भी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके साथ साथ आपके आसपास के एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक हम समझे कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम कैसे करता है। अब ये समझिए कि इसे अपने लाइफ में सही तरीके से उपयोग कैसे करें। यह समझना बहुत आसान है। जो भी आप सोचते हो, सोचने से पहले ये ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आप जो भी सोचते हो उसका असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट, आपके आसपास के लोगों पर पड़ता है। आपका माइंडसेट, आपकी पर्सनालिटी भी उससे बहुत प्रभावित होती है। इसलिए अपने लाइफ को अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए अपने आप को सभी नेगेटिव थॉट्स से दूर रखने की कोशिश करो। ऐसा करने के लिए अपने नेगेटिव माइंडसेट को बदलना होगा। सभी छोटी छोटी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को और अच्छे अवसर को देखना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे होंगे, लेकिन इस दुनिया में या आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनकी प्रॉब्लम्स आपसे ज़्यादा होंगी। इसलिए उसे जितना हो सके, जिनकी प्रॉब्लम्स आपसे ज़्यादा है, उसे ब्लेसिंग दें। अपने लाइफ के लिए धन्यवाद कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, जिसकी वजह से आपको ये महसूस होगा कि आपके पास छोटी गाड़ी, छोटा बंगला, छोटा घर है, लेकिन दूसरे लोगों की तुलना में या गरीब लोगों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा है। और इस तरह से आप खुश रहेंगे और आप अपनी वाइब्रेशंस को और अधिक पॉजिटिव बना पाएंगे। अपनी एनर्जी को और अच्छा बनाकर एक पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप कर पाएंगे। लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपको ये बताता है कि आपकी क्षमता कितनी है। आप जो भी सोच रहे हो या जो भी कर्म कर रहे हो, वो आपको वापस मिलेगा। आज नहीं तो कल ये जरूर आपको रिटर्न मिलेगा। इसीलिए किसी के लिए बुरा मत सोचिए, बुरा मत करिए, हमेशा अच्छा सोचिए, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन को आप अपने लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे इसको अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जितना हो सके मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।